बहुत से भाइयों को मैं बोलता था कर 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 वीडियो उम्मीद करता हूँ तो तुम सब खैरियत जो पहले से इस चैनल को देख रहे हैं वो तो मुझे जानते हैं जो लोग न्यू आ रहे हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करा दू एडी प्लेज और मैं यूट्यूब पर गेमिंग वीडियो करता हूँ मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत हटके है अच्छा तो भाई स्ट्रेट टू द पॉइंट आता है इस वीडियो का मकसद क्या है आइडिया बेसिकली एक फेक ट्रेडिंग एप था जिसपे आप अपने पैसे

स्कैम किया कैसे और वायरस गेमिंग इस सारे स्कैम में कैसे इन्वॉल्व था ये इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह तरह अच्छी डिटेल से बताऊंगा हर चीज दिखा के वॉइस नोट वगैरह सब कुछ तो कुछ भी जजमेंट करने से पहले वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और ये वीडियो यार मैं शौक से नहीं बता रहा काफी लोगों को पता है कि मैं अभी अपने सारे चैनल पे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब से काफी देर से गायब था लेकिन मुझे अब ये वीडियो बनानी पड़ रही है फौरन ही क्योंकि बेचारे जिन गरीबों का नुकसान हुआ उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूँ कि मैं इस ऐप के अंदर कैसे आया मुझे कौन लेके आया और मैंने क्या सोच के इसमें इन्वेस्टमेंट की आज तकरीबन एट से डेढ़ महीना पहले जो है मुझे स्टोरी नजर आती है वायरस गेमिंग की कि वो जो है वो पैसे इन्वेस्टमेंट करने का लोगों को कह रहा है बेसिकली अपने व्हाट्सएप पे और वो हर किसी को बता रहा है कि वो इतने इतने पैसे कमा रहा है खुद भी कमा रहा है उसके साथ के लोग भी कमा रहे हैं और हर चीज मतलब जितना लालच वो दे सकता था उतना लालच वो लोगों को दे रहा है थ्रू ही स्टोरीज जैसे कि अपने बैंक ट्रांजेक्शन के स्क्रीन शॉट वगैरह दिखाना और अपने जो भी वो ऐप में काम कर का रहा था वहां से जो पैसे विदड्रॉ हो रहे थे उसके स्क्रीनशॉट दिखाना मतलब जितनी लालच दे सकता था इसने लोगों को दी जब थोड़ा बहुत लोग इसमें इंट्रस्ट शो करने लगे तो इसने एक वीडियो बनाई जो कि इसने हर किसी को फॉरवर्ड करना शुरू कर दी अब आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैंने भी इसको मैसेज किया और मैंने कहा यार मुझे भी थोड़ा सीन समझाओ क्या सीन है किस तरह का सीन है तो इसने मुझे ये वाली वीडियो भेजी भाई सीन कुछ ये है सब मुझे पूछ रहे हैं कि यार ये क्या सीन है कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हो ये सब कुछ यार सीन होता है कि लाइक एक वेबसाइट है सही है उसका नाम है आई डी ए सही है इस वेबसाइट के ऊपर हम जाके इन्वेस्ट करते हैं इससे हमें पैसे कैसे मिलते हैं मैं वो बता रहा हूँ पैसे इस तरह मिलते हैं जैसे कि हम बाकी प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसके अंदर हमें खुद ट्रेड करना पड़ता है लाइक खुद बताना पड़ता है कि लाइक ऊपर जाएगा प्राइस नीचे जाएगा एट्रीजी सब कुछ जो भी आप करेंसी बाई करते हो इस ऐप में ये होता है कि ऐप खुद आपको लाइक करेंसी खुद बाई करती है उसके अंदर से जो प्रॉफिट होता है ना वो आपको आके दे देती है सिंपली लाइक कुछ परसेंट होता है Uh, वो डेली के आप अगर थर्टी फाइव थाउजेंड इन्वेस्ट करते हो तो डेली क्या आप फाइव डॉलर अर्न कर सकते हो सही है और अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है लाइक like, मेरी इन्वेस्टमेंट जो ज़्यादा थी लाइक like, जिस तरह से मुझे आ रहा है वो अलग सीन है अगर आप करना चाहते हो तो आपका ये सीन है कि आपको थर्टी फाइव थाउजेंड से इन्वेस्ट करना पड़ेगा और सारे बंदे ये सोच रहे हैं कि थर्टी फाइव थाउज़ेंड जो है ये हमें उसको देना पड़ेगा नहीं ऐसा सीन नहीं है वो जो थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ आपने इन्वेस्ट करनी है वो आपके ही अकाउंट में होंगे मतलब कि लाइक आपके अकाउंट में पड़े हैं वही थर्टी फाइव थाउजेंड से वो ऐप जो है जाके इन्वेस्ट करेगी करेंसीज़ के अंदर लाइक कभी बिटकॉइन में कर लिया कभी और ईथर्ड वगैरह मतलब जितने भी कॉइन है सब में जहाँ जहाँ पे उसको लगेगा कि ट्रेड अच्छी जा रही है वहाँ पे इन्वेस्ट करेगी उसमें से जो प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ परसेंट जो है वो आपको देगी आपका जस्ट काम ये होता है कि लाइक आपने उसे परमिशन देनी होती है कि हाँ आप मेरे पैसे यूज़ कर सकते हो हाँ अभी आपके माइंड में ये आएगा कि लाइक इसमें हमें लॉस होगा लॉस वाला सीन नहीं है लाइक आपको होगा तो प्रॉफिट होगा चाहे वो ज़ीरो पॉइंट फाइव डॉलर हो या कुछ ऐसा अच्छा यहाँ पे मैं इसके बाद थोड़ी सी काट रहा हूँ यहाँ पे एक रेड फ्लैग तो यहीं पे था कि आपको प्रॉफिट ही होगा अब क्रिप्टो में अगर कोई लोग जानते हैं क्रिप्टो के बारे में तो उनको पता है कि क्रिप्टो में हर हाँ बार प्रॉफिट नहीं हो सकता ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि एक क्रिप्टो हो जहाँ पे आप कोई एआई ट्रेड कर रहा है वो हर टाइम आपको प्रॉफिट ला दे रहा है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सीन 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 लाइक इस तरह सही है है इसमें लॉस वाला और की बात सबसे जब चाहो कर सकते हो सिंपल अगर आपने आज डिपॉजिट किया अच्छा स्टार्टिंग में लोगों का जो मेन पॉइंट था वो यही था कि एक तो आप जिस टाइम मर्जी चाहो विदड्रॉ कर सकते हो एक ये लाइन के बंदा सोचता है कि यार चलो अगर मैंने पैसे डाल दिए मुझे नहीं समझ आ रही तो मैं निकाल लेता हूँ भाई ऐसा सीन नहीं है आप जिस टाइम चाहो विद्रॉ कर सकते थे

आपको उसी वक्त फिफ्टी डॉलर बोनस आ जाएगा और मुझे भी दस डॉलर बोनस आ जाएगा ये वायरस भाई पे बोलना भूल गए क्योंकि इनको बंदे घेरने के मिल रहे थे पैसे जितने ज्यादा बंदे अपने अंदर एड करवाओगे उतना आपको बोनस भी मिलेगा और उनकी इनकम जो होगी वो जो ट्रेडिंग कर रहे होंगे उसका फिफ्टीन भी आपको मिलेगा वो मैं आपको जरा बाद में डिटेल में बताता हूँ सारा कुछ अच्छा खैर इस सबके बाद मैंने जो फर्स्ट टाइम है इसकी ऑफर को ठुकरा दिया मतलब मैंने कहा कि ठीक है यार मुझे ठीक है तुम करो लेकिन मुझे नहीं करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा मुझे समझ नहीं आ रहा एक बंदे की छठी हिस्स होती है ना मेरी वो छठी उस टाइम एक्टिवेट हो गई मैंने कहा यार ये गलत सीन लग रहा है मुझे ऐप का इंटरफेस जो है वो तो खैर एक अलग ही बात है इतना घटिया घटिया इंटरफेस मुंह मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मुझे तुम दो सौ रुपए दो मैं तुम्हें तो आधे घंटे में ऐसा इंटरफेस बना दूंगा और लिली जो है उसने इससे इंटरफेस के बारे में बात की थी और इसका रिप्लाई जो था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था अच्छा यार एक चीज है जो अजीब है थोड़ी सी ऐप का जो है ना मतलब ऐप डिजाइन हुआ ना बड़े लो बजट वाला लग रहा है तो क्या ये जो स्टार्टिंग में थी ब्रांड वगैरह जो भी तो इनका बजट लो था या कोई बहुत बड़ा ब्रांड

ये तो लाइक आपको पता है बैकेंड की चीजें मुझे पता है बट वो आपकी समझ से बाहर है ठीक है तो जितना आपको पता है इतना ही बहुत है ये ग्रुप ज्वाइन कर लो ठीक है इसके अंदर आपने ना रोज थर्टी क्लिक इसके अंदर आपने स्क्रीन देना सही है और कोई बात करने की जरूरत नहीं पे बस कोई भी क्वेश्चन करना हो मुझसे पूछ लेना बाकी आपने थर्टी डेली और यहाँ पे देना जैसे सारे लोग भेज रहे हो यहाँ तो उसके बाद ये स्टोरीज अपनी बढ़ाता गया मतलब लोगों को घेरता गया घेरता गया काफी ज्यादा लोग आ गए और कुछ यूट्यूबर्स उस टाइम जैसे कि मिलीश असमारो डियाज अब मैं देख रहा कि यार ये सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्होंने भी स्टोरीज लगाना शुरू कर दी है मैंने सोचा कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा लेकिन स्टिल उस टाइम भी मेरी छठी जो है मुझे कह रही थी कि यार ये गलत सीन है ये गलत सीन है इससे बचो इससे बचो लेकिन एक बंदा जब आपको इतना कह रहा हो कि यार अलहमदुल्ला का शुक्र है अल्लाह अल्लाह का नाम ले लेके कह रहा हो कि यार मैंने इतना प्रॉफिट कमाया इतना प्रॉफिट कमाया ये किया है वो किया है तो मेरा उस टाइम ये सीन था कि मेरे फाइनेंस में कुछ डॉलर आने थे कहीं बाहर के क्लाइंट से तो मैंने इसको कहा कि यार मुझे थोड़ा प्रूफ श्रूफ दिखाओ क्या सीन है इसका क्या इसका बैकग्राउंड है आपका कौन है इसका बैकग्राउंड का हेड ऑफिस किधर है एवरी मैंने इसे डिटेल मांगी उससे मुझे ये भेजा ये पूरा मैसेज आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके और साथ उसने ये सारे मुझे स्क्रीन भेजे जो इसके मतलब एज अ प्रूफ थे आईडी ए की पूरी मतलब इन्होंने प्रिंटिंग वगैरह करवाई हुई थी शर्टों की और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग रखी जहां पे ये सारे लोग जो है अभी स्क्रीन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे सारे जो है, लोग मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ प्लान किया और इसके अलावा ये ये जो है ये अपना आईडीए का समझा रहे हैं की आईडिया किस तरह काम करते हैं और पूरी एक प्रॉपर मीटिंग की जिससे लोग फंस सके ये चेक करें ये भी एक वीडियो जिसमें सारे आईडी के वो पकड़ के जो है वो शो ऑफ कर रहे हैं अपने इवेंट को मैं इतना बड़ा स्कैम करना है तो इतना तो खर्चा करना पड़ता है ना इन लोगों की शक्लें देखे ये सब इसमें इन्वॉल्व पड़े हैं ये जितने भी लोग अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये सब इसमें इन्वॉल्व है जब मैंने कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगे तो वायरस ने ये लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है मुझे भेजे ये सारे इसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन अब जाहिर है हम पाकिस्तानी हमने तो पढ़ना कुछ नहीं होता मैंने भी बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख के मैंने भी तरखा दिया कि कि बस ठीक है होगा उसके बाद वायरस ने मुझे कहा जानी मैं तेरा भाई हूँ मैं तेरा जिगर हूँ मैं तेरा सबसे अच्छा भाई हूँ इस दुनिया का इतना तेरा सगा भाई तुझे प्यार नहीं करता जितना मैं करता हूं इसमें पैसे डाल तेरा भाई इधर ही है तेरा भाई हैंडल करेगा यो ब्रो व्हाट्सअप उसके बाद मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया और दिन के जो क्रिक्स थे वो मैं करना शुरू हो गया मैंने एक दो विद्रॉल निकाल के देखे और वो निकल भी रहे थे तो मेरा ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया इस पर लेकिन वायरस के साथ साथ बातें जो थी वो मुझे थोड़ी थोड़ी शेडी भी लग रही थी लेकिन एक तरफ दिल ये 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 कह कि कि यार ये गलत सीन 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 है 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 कुछ ऑफ ऑफ मतलब जैसा आपके अंदर से आवाज आती है, है वैसा भी हो रहा था और एक तरफ वायरस की इतनी एबिलिटी थी कि जानी तू बाई पे ट्रस्ट करके लगा पैसे तू देखी कितना मुनाफा होगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा पता नहीं क्या क्या हो जाएगा उसके बाद ये मुझे बताने लग गया कि अलमदुल्ला इसका लेवल जो है वो लेवल फाइव हो गया ठीक है ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट इसको परसेंटेज ज्यादा हो गई है इसके लेवल की। अब मुझे भेज के कहता है 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 कि ये जो है ये जो मेरी डेली की इनकम और ये जो है मेरी डेली की टीम कंट्रीब्यूशन है और मैं इतना कमा लेता हूँ डेली का अब आपको सारे जवाब मिल गए होंगे अब आप मतलब सारे आंसर क्वेश्चन हो गए आपके मतलब इसको यही लग रहा है कि बस मैं इसको ना दिखा दूंगा एक बार अपनी इनकम और ये फ्लैट हो जाएगा बंदा लेट जाएगा कि यार अब पैसा ही पैसा है भाई पैसा ही पैसा ठीक है, है सब क्वेश्चन क्लियर है इसके बाद इसने मुझे अपने ग्रुप के अंदर ऐड किया जो इसका आइडिया का ग्रुप था उस टाइम मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ पचास बंदे सात बंदे इतने थोड़े से बंदे थे इसके अंदर और जिस टाइम ये ऐप बंद हुई है उस टाइम हजार से ऊपर थे खुद लगाओ सिर्फ इस एक ग्रुप के अंदर हजार से ऊपर से और भी कितने ग्रुप थे खैर मैंने वो ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया वहाँ पे जो हमने स्क्रीनशॉट भेजने होते थे तीन क्लिक्स करके पता नहीं क्यों बस स्क्रीन शॉट भेजने होते थे अच्छा अब मैं तो आ गया इसके बाद इसने बाकी लोगों को कैसे आने पर मजबूर किया इस ऐप का बेसिकली सिस्टम इस तरह से काम करता था कि अगर आप अपने

स्कीम आ रही होगी आप पढ़ सकते हो मैं आपको वैसे थोड़ा सा जनरल उसमें भी बता देता हूं इसमें बेसिकली होता यह है कि जो पहले से पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वाइट करते हैं न्यू इन्वेस्टर्स को और जो न्यू इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो पैसे उठा के वो पुराने इन्वेस्टर्स को देते हैं ताकि एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए कि ठीक है पुराने इन्वेस्टर्स को पैसे आ रहे हैं और इस तरह का ये चक्कर चला चला के साइकिल चला चला के सर्कल इतना बड़ा कर लेते हैं कि जब इनका सर्कल पीक पे होता है तो ये गायब हो जाते हैं सारे पैसे लेके अब यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हो कि मैंने ट्वेंटी फेब को वायरस को मैसेज किया कि मेरे एक दोस्त ने जो है ये मुझे भेजा है कि ये स्कीम है इसके बारे में आप क्या कहोगे मतलब बिल्कुल सेम सेम डेफिनेशन मैच हो रही है हालांकि ये मेरे किसी दोस्त ने नहीं भेजी थी मैं अपनी तरफ से पूछना चाह रहा था लेकिन अगर मैं खुद इससे ये पूछता तो ये मेरी आई बैन करवा देता क्योंकि इनका ये भी रूल था कि अगर आप इस ऐप

ऐसे चूतिया लोग होते हैं जो आपको ऐसा बोलते हैं क्योंकि मैं इतने क्यों रखे बैठा क्यों कर डिपेंड हूँ आपके अगर आपका दिल नहीं है तो मत करो क्योंकि हर एक अपना है, अपना सोच है सब कुछ चलो हर किसी का अपना अपना माइंड है हर किसी का अपना अपना सोच है आपको करना करो नहीं करना ना करो बड़ा जेनवन पॉइंट है बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी तो आ गई है मतलब एक वो कर के सारा कुछ करना है ठीक है नहीं करना कर लो तीली जलाई मेरी सैलरी तो आ गई है समझ रहे हो यहाँ पे तुम स्कीम को समझ रहे हो इसकी कि कैसे खेल रहा है ये लोगों के साथ अच्छा उसके बाद पहला विद्रॉ लगा के टेस्ट किया और मैंने ये वाला मैसेज भेजा इसको मुझे تو کسی نہ ہر بے فکر ہو جاؤ بے فکر ہو جاؤ میں نے بولا 24 سے 48 اورز بے فکر ہو جاؤ ٹینشن نہیں لو ایزی ہو جاؤ ایزی ہو جا بو ایزی ہو جاؤ چل سینے میرے باپ کی ایپ ہے پیندی سیڑی ایزی ہو جاؤ اپنی تو سکیم ہے اپنی تو پونجی سکیم ہے تیری جان گے روٹی اینٹیڈی ابھی تجھے نا مگر میری بات ماننے مجھے بھائی سمجھتا تیری بھائی الحمدللہ आदि शादी के पैसे इकट्ठे कर लिए अल्लाह का लाख लाख करम है अब मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे मुमिन हो गया कि मैं इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ठीक है मैं इसमें पैसे लगा रहा हूँ अपने इतना चवल तो मैं तब भी नहीं था कि मैं इंस्टाग्राम पे जाकर स्टोरी लगा दू और मैं रैंडम लोगों को कहने लगता हूँ आ जाओ भाई आ जाओ मुझे इस ऐप पे अंधा यकीन है जो हमारे काफी कंटेंट क्रिएटर्स ने किया है यार मैंने पैसे लगाए जितने भी लगाए अपने लगाए मैंने पैसे लगाए जितने भी लगवाए अपने फैमिली मेंबर्स के लगवाए क्योंकि ये सब मुझे पता है कि हम नुकसान अफोर्ड कर सकते हैं और मैंने अपने अंडर जितने भी लोगों को ऐड किया अपने फैमिली मेंबर्स को उनको मैंने कहा कि यार पहली जो तुम्हारी कोशिश है ना वो यही होनी चाहिए कि तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली है क्योंकि मुझे इस ऐप पे यकीन नहीं है इसी मुझे वायरस ने ये भी लालच दिया था कि तुम भी एडमिन बन जाओ क्योंकि वायरस भी एक एडमिन था इसको वीकली सैलरी मिलती थी कुछ बंदे एड करवाने की और ये पाकिस्तान का खुद को टॉप एडमिन कहता था पता नहीं पन्रा, पन्रा, पन्रा हर वीक इसको डॉलर जो है वो फ्री में ही मिल रहे होते थे कि भाई इसने बंदे एड किए तो ये इसके पैसे हो गए हमें स्क्रीनशॉट दे दे ये कहता था उकसाता था कि यार ये देखो मैं इतने पैसे कमा रहा हूं मुझे इतना आज वे ड्रॉ इतनी सैलरी आ गई है एडमिन की ये मुझे भी भेजता था मुझे भी कहता था कि यार तू भी कर जानी इंस्टा पे स्टोरी लगा इंस्टा पे लगा हर चीज ट हो और यही लालच इन इन सारे बाकी क्रिएटर जितने का भी मैंने नाम लिया इन सबको भी लालच दिया और ये सारे तो ऐसे लालच में आए हैं इंस्टाग्राम पे गरीब लोगों को इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया अपनी अकल से एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा है लोगों ने मतलब पैसे की भूख में इतने अंधे हो गए कि इंस्टाग्राम पे जाके रेंडम लोगों को ये करवाने लग गए या देखो इनको क्या पता उनके हालात इंस्टाग्राम पे एक रेंडम बंदा जो आपकी स्टोरी देख रहा है जिसके पास पैंतीस हजार छत्तीस हजार रुपया पड़ा है बस आप उसको जाके कह रहे हो कि हम आपके पैसे डबल करवा देंगे हम गारंटी भी ले रहे हैं हम ये भी कर रहे हैं हम वो भी कर रहे हैं हमारी अपनी ऐप है हमारे अबू की ऐप है इस तरह की आप उनके सामने कर रहे हो अब आपका एक इंस्टाग्राम पे एक सोशल मीडिया पे आपका इमेज है लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं जिसका आपने गलत फायदा उठाया तो आप भी इसमें उतने ही शरीक हो जितने कई वायरस गेमिंग है और बाकी लोग शरीक है आईडी वाले तो चाहते ही थे वो तो चाहते ही थे कि इंस्टाग्रामर्स जो है ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स जो है ये जाके इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करें हमारी फ्री में अपने लालच के लिए छोटे से लालच के लिए पंद्रह डॉलर के लालच के लिए हद होती है यार तो इन सब ने भाई अन्य वहां स्टोरीज लगाई कई तो उल्लू के पट्टे फेक लगा रहे हैं अपने पुराने आईफोन के डब्बे दिखा के कह रहे हैं कि ये देखो भाई अलहमदुल्ला हमने आईडी से इतने पैसे कमा लिए ये कर लिया वो कर लिया आईफोन ले लिया हद होती है यार जबीर बेचने की भी हद होती है लालच की भी हद होती है खैर इसने मुझे लालच दिया इसने मुझे कहा कि आप भी एडमिन बन जाओ आप भी लोगों को इनवाइट करो मैं आपका एडमिन के लिए अपलाई करवा देता हूं तो मैंने भाई सीधा कहा कि यार देखो मैं अपने पेरेंट्स को जानता हूँ मैं अपने बहन भाइयों को जानता हूँ अगर खुदा न खासा नुकसान होता है तो मैं जो है वो अफोर्ड कर सकता हूँ मेरे घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं तो मैंने तो भाई सीधा, सीधा इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया मैंने कहा मुझे नहीं बनना है एडमिन मैं ऐसे ही ठीक हूँ मैं अपने पैसों के साथ रिस्क कर लूंगा लेकिन मेरी वजह से मैं किसी गरीब का नुकसान नहीं करूंगा लालच में आके अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन नोट सुनाता हूँ जिसमें वायरस भाई थोड़ा सा हमें और लालच देने की कोशिश कर रहे हैं मैं मेरे अकाउंट में

मेरे एक क्लिक करने से उसको पाँच डॉलर जाता है अगर आप अपने नीचे बंदे लेकर आएंगे तो आपको भी पैसे मिलेंगे और यही लालच तो इन्होंने सबको दिया तू एक दफ़ा इसका पूरा स्नहरी समझ गया ना फिर तो सारी गेम समझ जाएगा फिर तुह दस्ती दस्ती ऊपर आने की कोशिश करनी तो सारी जब गेम समझ आता नहीं है कि हाया क्या मैं कहता हूँ मैं खुद चाहता हूँ कि अल्लाह ताला तुझे भी दस्ती दस्ती, दस्ती मारे ऊपर वाले सीन पे तेरे हाथ में भी दोनों हाथों से पैसे इकट्ठे करने वाला सीन हो यार लाइफ चेंज होगी कसम खुदा की यार इतने ना, क्या बताऊं तुझे भाई मुझे नहीं चाहिए दोनों हाथ में हराम का पैसा अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा कमा रहा हूँ थोड़ा कमा लूंगा लेकिन मैं हलाल खाऊंगा मुझे कोई शौक नहीं है हराम पैसा खाने का अब जरा ये वाला वॉइस नोट भी सुनो मेरी एक बात याद रखो जो नीचे वाले बंदे है ना आपका काम है उनका अकाउंट परमानेंट करवाना सबसे पहले उनका परमानेंट फायदा तुम्हें होगा बात सब याद अब मैंने तो अपना अकाउंट परमानेंट करवा लिया तीन चार बंदे ऐड कर लेकिन मेरे नीचे जो बंदे ऐड हुए मुझे उनका अकाउंट भी परमानेंट करवाना है भाई वायरस कह रहा है कि पहली बात यह है कि जितने ज्यादा बंदे हो सकते हैं घेरो माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने ना शादी के पैसे आर्मोस्त, आर्मोस्त पूरे कर लिए हुए अभी इंशाल्लाह कार वाला सीन जा रहा है कार के का पैसे पूरे क्या फायदा ऐसी हराम की शादी का और ऐसे हराम की कार का गरीब लोगों के पैसे मार के इस तरह की ये बातें कर रहा है इंसान में जो थोड़ी सी गैरत होती है ना गैरत वो ये बेच चुका था आइडिया वालों को खैर तुम लोगों को, को आइडिया हो ही गया होगा कि ये बंदों को कैसे घेर रहा था अपनी बातों के अंदर अब सवाल ये है कि आइडिया जो है वो भाग चुकी है और मुझे कितना नुकसान हुआ है और लोगों को कितना नुकसान हुआ है और इस वायरस को कितना फायदा हुआ है अच्छा तो मैं सीधी बात करूंगा कि मैंने इसमें टोटल इन्वेस्ट किए थे टू थाउजेंड डॉलर और मैंने इससे जो विद्रॉ किया वो थे टू 60 मैं तुम तो लोगों के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने 60 का प्रॉफिट यहाँ से लिया मतलब मेरा सीन इस तरह था कि मैं क्लिक्स करता था जैसे मेरे हंड्रेड डॉलर होते थे मैं फॉरन करता था था क्योंकि मुझे इस एप पे रत्ती बराबर भी यकीन नहीं था। अब अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने निकाल ली मुझे कोई लॉस नहीं हुआ उल्टा मुझे 60 का प्रॉफिट हुआ पर अल्लाह बचाए ऐसे गंदे हराम प्रॉफिट से अल्लाह बचाए मैंने ऐसा किया कि मैंने अपने करीबी जिस बंदे का नुकसान हुआ जिसके पैसे अभी अंदर फंसे हुए थे मैंने वो उसको दे दिया मतलब मुझे ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ मेरा कुछ भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी ये वीडियो क्यों बना रहा हूं क्योंकि उस पूरे ग्रुप में जितने भी यूट्यूबर थे उनमें से कोई भी इस पे आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है अभी भी अपने अपने पैसे उन कर सिक्योर, उनको तो कोई नुकसान नहीं है और उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, 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 है मैंने उनके पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर कि डबल हो जाएंगे तो मैं इनका किसी अच्छी जगह ऑपरेशन करा सूंगा उस बेचारे के जो ऑपरेशन के पैसे थे वो भी डूब गए इस तरह के कितने लोग थे यार जिनकी उम्मीदें थी जो गरीब थे कई लोगों ने तो उधार ले लेके इसमें इन्वेस्ट किया है लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से इन्होंने अपने पैसे समेटे जितने समेट सकते थे तुम लोगों के पैसे खाए इन्होंने जितने खा सकते थे और ये सारे फुर हो गए कई लोग तो बिल्कुल पोस्टर डिलीट करके ऐसे गायब हुए हैं जैसे उनको तो पता ही नहीं है कि आइडिया था क्या और कई लोग तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है अब ये स्कैम शुरू कैसे हुआ मैं बताता हूँ हमारे साथ स्कैम हुआ कैसे बेसिकली अभी रिसेंटली जो है ये ऐप थोड़ी सी शेडी हो गई वायरस भी थोड़ा सा शेडी हो गया बहुत ज्यादा अवेलेबल रहने लगा अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ असल बात इस ऐप ने स्कैम किया कब किया कैसे और इस सब में वायरस इन्वॉल्व कैसे था और सिर्फ इन्वॉल्व इस तरह नहीं की वो हमें इन्वाइट कर रहा था इन्वॉल्व इस तरह की उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था आईडीए वालों के साथ अभी पिछले दिनों आइडिया जो वो बहुत सारे बोनस वगैरह लालच वगैरह लोगों को देने लग गया कि अगर आप करोगे, तो आपको पूरा एक पूरा 125 ट्वेंटी मतलब जल्दी से पैसे निकालो। उसने भी मुझे उसी वक्त कॉल की उसने कहा देखी है जो ऑफर आई है नई वाली डबल पैसे करने वाली उसने कहा यार ये सीन ऑफ होने लगा गलत सीन हो रहा है क्योंकि डबल कैसे कर रहे हैं एक दिन में पैसे उसमें भी हमारे वायरस भाई एक्सक्यूज लेके पहुंच गए अपना कुछ जो है वो तुम लोगों को दे रही है इनका क्वार्टर जो है वो पूरा हुआ है और उसके बाद फिर एक ऑफर आई कि जराब आप पता नहीं सेवेंटी समथिंग डॉलर इन्वेस्ट करोगे तो आपको 125 डॉलर मिलेंगे मतलब पैसा ट्रिपल अब इस पे मुझे तो बड़ा गंदे वाला शक हुआ मैंने फौरन अपने सारे सबको मैसेज किया कि यार सबक से पैसे निकालो मैंने अपने भी जो है वो पैसे विद्रॉल पे लगा दिए मैं यार ये सीन ऑफ है ये बड़ा गलत सीन हो रहा है पैसे जल्दी से निकालो उसके बाद जरा हमें फौरन न्यूज मिल गई अब तो आपका विद्रॉल बंद हो चुका है वायरस भाई कह रहे हैं कि भाई अब हमारा जो विद्रॉल है वो बंद हो गया बहुत ज्यादा लोगों ने बोनस के लालच में आके जो है वो विद्रॉल लगाया है उल्टा वो अवाम को सुनने लगा कि तुम लोग इतने लालची हो तुम लोग जो है वो सारा बोनस लेके जो है उसको विद्रॉल पे लगाने शुरू कर दे जिसकी वजह से उनका सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो गया और मतलब तुम लोग अब पैसे नहीं निकलवा सकते अगले तीन चार दिन तुम्हारे पैसे फंस चुके हैं इसमें अब तब मैं और लिली यही कन्वर्सेशन कर रहे थे कि अब हमें नहीं लगता कि ये पैसे हमारे जो है वो निकलने वाले हैं मुझे भी काफी हद तक पता लग गया कि हमारे साथ स्कैम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है ये अगर हमें अब नहीं दे रहे तो इसका मतलब यही है कि ये पैसे खा के बैठ चुके हैं वायरस की हरकतें भी थोड़ी सी शेडी शेडी सी हो गई मतलब मैं बीमार हूं मैं बिजी हूं मैं इधर हूं मैं उधर हूं मुझे कोई इस टाइम तक मैसेज ना करे उस टाइम तक मैसेज ना करे अब इससे थोड़े दिन पहले ही वायरस कह रहा था कि इनकी यूएसए के अंदर जो है वो मीटिंग है तो आप प्लीज मुझे जो है सपोर्ट करें आप मेरे लिए

नुकसान हो गया और भाई भाई वायरस सीन से साइड पे हो गए सारे अपने पैसे अंदर करके, और जो चार आपने करके जो थे, इनका थी जिसने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थोड़ा बहुत उधार लेके अंदर पैसे डाले थे उनका पैसा ये पैसा इसको आईडीए ने नहीं दिया ये पैसा इसको हम लोगों ने तुम लोगों ने दिया और ये पैसा इसके आईडीए में नहीं पड़ा ये पैसा इसके फाइनेंस में पड़ा मतलब के ये पैसा इसके पास अब भी है और अगर इसमें थोड़ी सी भी गैरत है ना तो जितना भी इसने प्रॉफिट कमाया है जो दिन का हमें कहता रहता था, था पंद्रह सो डॉलर कमा रहा हूं मैं सात सौ टीम कंट्रीब्यूशन से आ रहा है मुझे ये जो सारा पैसा कमा के अपने बैंक अकाउंट में भरा हुआ है ना आवा का थोड़ी सी भी गैरत है ना गैरत और अल्लाह का खौफ है तो ये सारा आवाम को वापस करो बाकी हमें भी पता है कि इसने प्यार से तो मानना नहीं है तो हमने इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का प्रोसेस जो है वो शुरू भी कर दिया इसके खिलाफ एप्लीकेशन जो है वो दर्ज भी हो गई है इनशाला उसका हमें रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा छोड़ते तो भाई हम इसको नहीं है जब तक तुम लोगों की सपोर्ट मेरे साथ है हमारे साथ है छोड़ने वाले नहीं हम इसको। अच्छा, अब वायरस तो ये स्कैम करके गायब हो गया, लेकिन हमारे एक बंदे ने इसके अबू को कॉल की और इसके अबू का जरा रिप्लाई सुनो तुम लोग। कॉल की है, नहीं नहीं आप मेरी बात आप अगर फारेक नहीं है तो हम बाद में बात कर लेते हैं मसला नहीं है। नहीं 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 है बता� उसका रोल यही है कि देखें उसने किसी को नहीं बताया आपको पता है ऐसी कंपनियां भाग जानी है उसने बोला है कि आप अगर मुझे अपना भाई समझते हैं आप इसमें इन्वेस्ट करें इन्वेस्ट करें वो दिन करोड़ रुपए कमा रहा था हर किसी को सेम बात बोली है आपको पता है वो एक करोड़ जो दस दिन में कमा रहा था वो हम गरीबों की कमाई थी वो वही खा रहा था तो अब उसको सिर्फ इतना बोलते है कि वो ग्रुप बंद करके भाग गया यार बंदे को तसली तो दे दो ग्रुप खोल के यार ऐसा हुआ है बहुत अस्पताल बड़ा है क्या हुआ खैरियत हाँ वो आप टेंशन वो बहुत जबरदस्त टेंशन ली उसने टेंशन तो अब लेगा ना वो अंकल आप खुद सोचे इतने लोगों के पैसे वो हॉस्पिटल पड़ा है अब कौन से हॉस्पिटल पड़ा है क्यों हॉस्पिटल हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया भाई इतना मुनाफा इतने अच्छा ज्यादा पैसे आ गए ना भाई के पास वो हजम नहीं हुआ हॉस्पिटल पहुंच गया देखो डूबा है वो नहीं, उस, नहीं उसके उसके खुद के डूब गए यार उसके क्या डूबे वो आखिरी में सब निकल गए अगर उसके पचास हजार डोदर डूबेगे भी ना तो वो उसने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिया वहाँ से हर दिन कैसे हमें नहीं पता मैं उसको नहीं आप वाले हैं मुझसे बेहतर जानते होंगे मैं वो बात नहीं कर रहा आपसे तो नहीं इतने कमाए उसने वो डूब गए सारे अच्छा चले आप आपसे बात करना ही फजूल है फिर ऐसा है केस फाइल ने, केस ने, फाइल करेंगे हम लोग वो तो खुद में मार पड़ गया देखें मेरी बात नहीं 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 वो ठीक हो जाएगा क्या गारंटी है वो हमारे पैसे वापस करेगा हम तो चाहते हैं वो और बीमार हो अल्लाह ना करे नहीं, वो तो आपकी तो आपकी गारंटी दी इसने देखिए मेरी बात सुनें अंकल जी मैं आपसे बड़ी रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ रोजे कि, ना आपका मुंह गंदा हो ना मेरा मुंह गंदा हो मेरे पीछे इस टाइम हजार बंदा है हमारा ग्रुप है अगर आप भी कहते हैं मैं आपको वहाँ ऐड कर भी भी देता हूँ देखिए वायरस ने चार बिटकॉइन लिए मेरी बात सुनने वायरस ने चार बिटकॉइन लिए अभी आपका नंबर सिर्फ मेरे तक है मैं नहीं चाहता कि मैं आपका नंबर ग्रुप्स में शेयर करूं या आपके लिए एफ कटवाऊं या कुछ भी करूं देखें मैं खुद सिंध गवर्नमेंट का बंदा हूं मैं आपको अपना तारुफ करा देता हूँ मेरा चाचा सिंध जी जी बात मैं भी थोड़ा बिजी हो गया हूँ जी जी तो मैं के साथ जी जी दुआ करें तुम लोगों को पता तो लग गया ही होगा की अब जो पैसे इनकी जेब में जा चुके हैं वो तो ये निकालने के मूड में नहीं है इज्जत के साथ और ये जो अलहमदुल्लाई डी की तरफ से आई फोन आया मैकबुक आई ये सारा कुछ अब बेच के ना ये गरीबों का पैसा वापस करो बेगैरत आदमी इंसान में थोड़ी सी भी शर्म हो ना थोड़ी सी भी शर्म तो इंसान को कुछ फील होता है ये तो झूठी तसलियां भी नहीं दे रहा भाई लोगों को ये तो ऐसे गायब हो गया जैसे ये जीत गया हम हार गए ये स्कैम करने वालों के साथ मिला हुआ था अब सबसे पहली बात तो ये कि इसका बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया कि मुझे कॉन्टेक्ट ना करो मैं बिज़ी हूँ अच्छा भाई सीन कुछ ये अभी मैं तो बिज़ी हूँ काफ़ी ज़्यादा ठीक है मैं नहीं अभी डॉलर कर सकता सही है जिसकी पेमेंट्स हैं वो अभी रिटर्न आ जाएंगी आपको अभी नहीं तो बारह बजे के बाद क्योंकि मेरी लिमिट्स फुल है मैं किसी को ना पेमेंट सेंड कर सकता हूँ तो अब सीन कुछ ये बाकी जो बंदे अभी कर रहे हैं करो अभी मैंने ऐसा भी सुना है एक दो तो बंदा आकर मुझे भी बोला था और मेरी एक सौ अठाईस वाली भी हो गई है तो आप ट्राई कर सकते हो लक है नहीं तो आप विड्रा कर लेना बाद में कोई मसले वाली बात नहीं है भाई ये इतनी तगड़ी ऑफर मैं कहता हूँ किस्मत चेंज करने वाली बात है ठीक है बेस्ट ऑफ़ लक करो साथ ही उसके बाद फिर विड्रा भी कर लो कोई मसला नहीं है दो दिन बाद कर लो चिल सीन है बाकी अभी ऑफर्स हैं अपनी किस्मत से मालूम टाइम तो मुझे ये सीरियसली ये लगने लगा था कि ये पाकिस्तान छोड़ के भाग चुका है या भाग रहा है और अभी भी हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में है या नहीं जनाब काफी ज्यादा बिजी रहने लगे कि भाई मुझे मैसेज ना करो इस टाइम से इस टाइम तक मैं नहीं अवेलेबल मैं बीमार हूँ ये स्कैम होने से दो दिन पहले की बात है अब गौर से सुनना है यूजली ऐसे होता है की इस ऐप पे जब अपडेट आती है तो ऐप छह सात आठ घंटों के लिए बंद हो जाती है उस पर यह हमें जो है वो तसलियां वगैरह देता है इवन ये भी कहता था कि भाई अभी आइडिया वाले जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहे जैसे कोई अपडेट आते मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ा सा वेट कर

घंटे के अंदर ही ये जो है कंक्लूजन पे पहुंच गया कि हमारे साथ स्कैम हो गया है जैसे इसको पहले ही पता था कि आज जो है वो स्कैम होने वाला है अब ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं है बस आधे घंटे में कंक्लूजन करो 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 खत्म भाई बस बंद ग्रुप को ग्रुप का नाम जो है वो रोने शोने वाले पे चेंज किया जैसे कोई मजाक चल रहा है मतलब इधर लोग लिटरली बैठ के रो रहे हैं बेहोश हो रहे हैं कि भाई क्या हो गया हमारे साथ हमारे लिए तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी फेक गिव अवे कर करके तुमने तो हराम की कमाई जमा कर ली है जो बेचारा गरीब पैंतीस रुपया मुश्किल से कमा के या तो उधार लेके उन्होंने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इसमें उन बेचारों का किसी भी नहीं सोचा अच्छा अब जरा ये वाला जो इन्होंने स्कैम होने के बाद ग्रुप में भेजा पीछे हमारे साथ और ये हो गया वो हो गया अब आगे की बात से सुनना तुम लोग हमने जो की है, हर है हर बंदे ने बहुत सारी लालच की है समझ लें डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पैसे पकड़ पकड़ के करवाया तो हम तो ये चीज जो है हमें समझ लें कल पता चला कि लोगों ने इस तरह किया और ये मामला हुए हैं अदरवाइज किसी को कोई नुकसान किसी को कोई लॉस नहीं होना था लेकिन ये जो लोगों ने कल लालच किया उसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ है। मैं गाली नहीं देना चाहता ये खबीस लोग बेगैरत लोग अभी भी इन गरीबों पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि तुम लोगों ने ये विदड्रॉ वगैरह किए बोनस लेके जिसकी वजह से ये ऐप स्कैम करके गई है बेगैरती की हद होती है यार बेगैरती की कसम से हद होती है ये बात सुन के तो मेरा दिमाग इतना घूमा इतना घूमा कि यार ये अब भी लोगों को बेचारों को टारगेट कर रहे हैं सारा ब्लेम लोगों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं हद होती है यार भाई जब ऐप इस तरह की ऑफर दे रही है कि वो आपको डबल करके पैसे दे रही है या ट्रिपल करके पैसे दे रही है तो ऑफकोर्स लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे और निकालेंगे भी पर इन खबीसों को मिल गया मौका कि चलो अब सारा ब्लेम जो है वो हम आवाम पे डाल देते हैं कि तुम लोगों ने बोनस स ले लिया और उसके बाद सारा विड्रॉ पे लगा दिया जिसकी वजह से ऐप हमें स्कैम करके भाग गए भाई क्या लॉजिक है कसम से क्या लॉजिक है ये इनके सीनियर्स की मैंटेलिटी है भाई इन दी एंड कंक्लूजन यही है कि ये सब इसके साथ मिले हुए थे ये सब इनके साथ मिले हुए थे आईडीए वालों के साथ इन सब ने कुछ पैसों के लिए अपने जमीर जो है वो आई वालों को बेच दिए थे ये सीनियर जूनियर एडमिन शेडमिन ये सब के सब इनके साथ मिले हुए थे आप लोगों के साथ स्कैम हुआ है पैसा सिर्फ आप लोगों का गया नुकसान सिर्फ आप लोगों का हुआ है वायरस के अबू की, की बातें सुन के भी ये चीज वाजिया हो रही है की ये जो अब पैसे आ गए ना इनके पास ये इनको अंदर करना चाहते हैं मैं यार एक तरफ से अल्लाह का शुक्र भी करता हूँ की मैंने अपनी जितनी

वायरस के पास है अभी इस टाइम तुम सबके पैसे वायरस के पास पड़े हैं बेशक सबकी नहीं लेकिन काफी ज्यादा लोगों की हेल्प हो सकती है स्टिल और बाय द वे मैं एक और चीज भी मेंशन कर दू इसी ऐप वालों ने एक और न्यू ऐप निकाली इन्फिनिटी जिसको हमारे ये वाले भाई साहब अभी से प्रमोट करना भी शुरू हो गए हैं यार सीरियसली बेगैरती की इतहा है एक तरफ ये बंदा वीडियो बना रहा है की आईडिया वालों ने स्कैम कर दिया है उसके बाद इसी वीडियो के एंड पे जो है ये बंदा कह रहा है की इनकी न्यू ऐप जो है उसमें इन्वेस्ट करो जल्दी जल्दी पैसे छाप लो सारे हराम के पैसे कमा लो यार ये लोग रमजान के अंदर क्या अपनी गैरत बेचने पे तुले हैं सारे अब रमजान में शैतान कैद हुआ तो हमें पता लगा कि शैतान असली वो शैतान नहीं असली शैतान ये लोग हैं बाकी यार अगर तुम्हारा नुकसान हुआ है तो मैं सीरियसली मैं बता नहीं सकता मुझे कैसा फील हो रहा है अभी बहुत से लोगों के मैंने मैसेजे सुने हैं बहुत से लोगों की बातें मैंने सुनी है और बहुत से लोगों से बात की उनको तसली देने की कोशिश की है बाकी है कि हिम्मत रखनी है पैसा आने जाने वाली चीज है कोशिश तो हमारी है की हम इससे पैसा निकलवाए इनशाला निकलवा के रहेंगे बस तुमने हिम्मत नहीं आनी यार अल्लाह और देगा इनशाला अल्लाह पर यकीन रखो नमाजे वगैरह पढ़ो रोजे वगैरह रखो ईद अपनी खराब नहीं करनी ईद इस ऐप के लिए तुमने अपनी ईद खराब नहीं करनी ठीक है ईद पर इंजॉय कर थोड़ी देर के लिए भूल कि तुम्हारे साथ नुकसान हुआ है बस अपनी ईद को एंजॉय करो थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश करो अल्लाह खैर करेगा बाकी अगर कोई ऐसा बंदा है जो इस केस में हमारी डिस्क्रिप्शन में आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो और एडमिन के साथ रहा करो उनको बताओ आप किस तरह हमारी इसके खिलाफ केस करने में हेल्प कर सकते हो अभी तुम लोगों की हेल्प के बगैर हम वायरस को नहीं पकड़ सकते तो हमें तुम लोगों की फुल सपोर्ट चाहिए होगी बाकी वीडियो लंबी होगी और ये वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी क्योंकि कोई भी यूट्यूब इस पर आवाज उठाने के लिए रेडी नहीं है और ये यूट्यूबर की बात करूं जो कि इस ग्रुप में थे जो कि इस सारे सीन में इन्वॉल्व थे जो इंस्टाग्राम पे लोगों को इनवाइट कर रहे थे बिना सोचे समझे और अब तुम लोगों का काम है है इन सबको कैंसिल करना करना हमने मेक sure श्योर कि अब ये सुकून से यूट्यूब ना कर सके क्या फायदा यार तुम सबका इतना नुकसान करवा के ये लोग अगर मजे से यूट्यूब पे इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने अपने सेटअप बनाएंगे गाड़ियां खरीदेंगे और इनको लगता है कि हम चुप करके देखते रहेंगे बाकी अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद मुझे इस तरह की वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी और मैं अपने रेगुलर कंटेंट की तरफ वापस आ सकूंगा और एंड पे बस ये कहूंगा कि यार कोशिश किया करो कि ऐसी चीजों में इन्वेस्ट ना करो एक और दो तीन एप्स चल रहे हैं जवाई या पता नहीं क्या क्या एप्स चल रहे हैं सबसे अपने पैसे अभी के अभी निकाल लो ये सब स्कैम्स है कोई भी चीज आपको हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट नहीं देती इन सबसे पैसे निकालो और आगे से कोशिश करो कि आप इन चीजों में इन्वेस्ट ना करो तो बस यार मुझे इजाजत दो फिलहाल हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो कि इंशाल्लाह गेमिंग वीडियो होगी तब तक के लिए